हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल नेहाज किचन। आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। मैं यहाँ पे एक कुकिंग रेसिपी लेके आई हूँ। मैंने यहाँ पे पफ फ्राइज मूरी से पोहा बनाया है, तो देखते हैं हमें क्या क्या चाहिए। फर्स्ट मैं अपने मूरी को, मैंने 4 कप लिया है, उसे पानी में अच्छे से सॉक कर दूँगी। हमें अच्छी तरह से सॉक कर देना है ताकि ये पूरी तरह से सॉफ्ट हो जाए। अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल लीजिए और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अगर आपको और ज़रूरत लगे तो आप ऊपर से और पानी डाल लीजिए। मुझे लग रहा है तो मैं यहाँ पे ऐड कर लूँगी थोड़ा सा और पानी। और पानी ऐड करने के बाद इसे अच्छे से मिला के मैं इसे साइड पे रख दूँगी एटलीस्ट 15 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। देखिए, अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसे साइड में रख लेते हैं और बाकी का इन्ग्रीडियंट देख लेते क्या क्या चाहिए। मैंने यहाँ पे गाजर, प्याज और हरा मिर्ची लिया है। आप चाहे तो और भी वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं। मैं एकदम सिंपल बना रही हूँ, जो इजीली घर में अवेलेबल हो। आप इसे चॉप कर लीजिए अच्छा से। मैं यहाँ पे अच्छे से चॉप कर लिया है। एंड देन अब हम अपना मूरी का पानी निकाल लेंगे, इसे स्ट्रेन कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि हमें एकदम अच्छी तरह से पानी निकालना है, थोड़ा बहुत रहेगा तो कोई बात नहीं, वो पकाते समय वो पानी वहाँ पे ड्राई हो जाएगा, पानी नहीं रहेगा पकाने के बाद। अब हम अपने फ्राइंग पैन में अराउंड 3 टेबल स्पून ऑयल ले लेंगे और इसे अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। गरम हो चुका है और हम इसमें अपना क्यूमिन सीड एंड मस्टर्ड सीड, मैंने दोनों मिला के 1/2 टीस्पून लिया है, और इसे अच्छी तरह से पका लेंगे जब तक ये क्रेक ना हो जाए। क्रेक होने के बाद ही हम इसमें अपने बाकी के सामान डालेंगे। देखिए, ये गरम हो गया है और ये क्रेक भी हो रहा है। तो अब हम इसमें अपना करी पत्ता डाल लेंगे। मैंने अराउंड 4 to 5 लीव्स लिए हैं। इससे टेस्ट काफ़ी अच्छा आ जाता है, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है खाने पे, इसलिए डालते हैं। एंड देन अपना वेजिटेबल को डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे पका लेंगे। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ। आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम बेसी कर सकते हैं। अच्छे से मिला लेंगे। फर्स्ट मैं सिर्फ नमक डाल के पकाऊँगी ताकि ये अच्छे से कुक हो जाए। देखिए, कुक हो चुका है। अब मैं इसमें अपना बाकी का मसाला, मैं ज़्यादा मसाला नहीं डालूंगी, सिर्फ मिर्ची और हल्दी डालूंगी। मैंने हरा मिर्ची ऑलरेडी लिया है तो मैं ज़्यादा रेड चिली पाउडर भी नहीं डालूंगी। मैं 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड देन 1/4 टीस्पून टर्मेरिक पाउडर डाली हूँ। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और मिक्स करने के बाद हम इसमें अपना जो मूरी था वो ऐड करेंगे। देखिए, अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें अपना भिगाया हुआ मूरी को ऐड कर लेते हैं और इसे भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता है पकने में, बस इसे मिक्स करना है और ये रेडी है। अच्छे से मिक्स कर लीजिए एंड देन आप इसको, देखिए ये हो चुका है। फिर देन आपको जिस प्लेट में सर्व करना है उसमें निकाल लीजिए और आप उसके ऊपर चाहे तो धनिया सब भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ कुछ नहीं डाल रही हूँ, एकदम सिंपल रख रही हूँ। आप सामान अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अब मैंने प्लेट ले लिया है, इसमें सर्व कर लेती हूँ और ऊपर से मैं इसमें सेव या फिर भुजिया, आपको जो पसंद हो आप डाल सकते हो। अब इसे मैं भुजिया से सर्व कर दूँगी। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब प्लीज़ कर लीजिएगा एंड सामने ही बेल बटन है उसे प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।